Hello, welcome back. This is Saurabh Kumar Raut. Now welcoming you on my YouTube channel, The Raut Classes. After a very long gap, I am here with you people. और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का जो सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या है और कैसे हम लोग अलग अलग पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करते हैं. इससे पहले कि हम लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो भी फर्म प्रॉफिट और लॉस अर्न करती है उसकी कैपिटल अकाउंट पे डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं और उसका कुछ खास अप्रोप्रिएशन जिसको कि हम लोग उसका अपोर्शनमेंट कहते हैं हम लोग वो नहीं करते थे. लेकिन इस पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या है कि आप जो प्रॉफिट जो भी अर्न करते हैं आपकी जो केसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद से ही स्टार्ट होती है. तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म के डेफिनेशन के ऊपर. सबसे पहले कि पार्टनरशिप फॉर्म है क्या. पार्टनरशिप फॉर्म ये एक एसोसिएशन है कुछ लोगों की जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग मिल करके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जहाँ पर कि वो लोग अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं उस बिजनेस के लिए जो कि वो लोग एक साथ मिलकर कैरी ऑन करते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में प्रॉफिट को शेयर करने को लेकर के या फिर आगे चल के किसी भी तरह की जो डिस्प्यूट है या फिर जो भी उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जहाँ भी डिसीजन मेकिंग की बात होगी वहाँ पर वो लोग उनके लिए भी एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं. तो ये एक एसोसिएशन है कुछ लोगों का, मिनिमम दो होने चाहिए और मैक्सिमम जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर उसको प्रोवाइड करें. तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पर लोग मिल करके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और आगे चल के जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होती है उनमें अपना पार्टिसिपेशन भी दिखाते हैं. तो आप बुक में वैसा ही घिसा पीटा डेफिनेशन भी दिया गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल वेयर इन दे प्रॉफिट दे शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विच इज़ कैरिड ऑन बाय वन और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब कि कोई एक भी कैरी ऑन कर सकता है, बाकी सारे पार्टनर्स मिलकर कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जो प्रॉफिट होगी वो सारे पार्टनर्स मिल करके एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी कुछ नेचर है, नेचर वो आपकी बुक में भी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसमें एक्सेप्शंस भी हैं कहाँ पर कोई पार्टनर जो है, कोई व्यक्ति जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता है. जैसे कि कोई माइनर है, बिलो 18 ईयर्स का है, तो लॉ उसको गारंटी नहीं करता है कि वो एक पार्टनर बन सके. कोई भी आदमी जो कि क्रिमिनल चार्जेज उसके ऊपर में लगाई गई है तो वो भी किसी भी तरीके से पार्टनर नहीं बन सकता है किसी भी लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. और तीसरा, वो आदमी जो कि किसी भी तरह से अनसाउंड माइंड का है. दूसरी जो नेचर है पार्टनरशिप फर्म की वो ये है कि यहाँ पर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा शेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है. तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट उनके बीच में होगा, आपस में होगा, और उस एग्रीमेंट के तहत आगे चल करके किसी भी तरह की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो लोग डिसीजन भी उसी एग्रीमेंट के हिसाब से लेंगे. और तीसरी चीज़ ये होती है, तीसरी नहीं चौथी चीज़ ये होती है कि पार्टनरशिप फर्म में कभी भी आप जो है अलग अलग पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें कि उनकी जो कैपिटल्स है वो एक्चुअल वैल्यू डिपिक्ट करती है कि उनके कैपिटल के कैपिटल के लिए आउट स्टैंडिंग अमाउंट क्या है जो उनको मिलनी चाहिए हर एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में. उसके बाद चौथी चीज़ की पार्टनरशिप फॉर्म एक लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए. ये एक लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ. अगर वो कानून के हिसाब से डिस्कार्डेड एक्टिविटी है तो उस एक्ट को आप एक लॉफुल बिजनेस नहीं कहेंगे. मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो एक लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली. उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग कौन कौन से अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. तो पार्टनरशिप फॉर्म में एज यूजुअल जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में किया करते थे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करते थे. यहाँ पर वो एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बट उसके बाद जो उसकी एक्सटेंशन है, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट जो भी अर्न होती थी या लॉस जो भी इनकर होता था आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटल में एड या सब्ट्रैक्ट किया करते थे. लेकिन यहाँ पर उसी नेट प्रॉफिट को आप किसी एक पार्टनर को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, आपको तो सारी जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं अपोर्शन करनी होगी सारे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ही है कि सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी ऑन किए जाने वाला बिजनेस. इसीलिए हम लोग इन सारे प्रॉफिट का कहीं ना कहीं अपोर्शन करेंगे सारे पार्टनर्स के बीच में. इसीलिए इनको अपोर्शन करने के लिए हमारे पास में कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि हर एक पार्टनर का कैपिटल जो स्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है. अब उस इंटरेस्ट के लिए आपको कैलकुलेट करना होगा कि उनकी इंटरेस्ट कितनी है स्टैंडिंग हो रही है कैपिटल अकाउंट पे. उसके बाद कहीं ना कहीं कोई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से उनके प्रॉफिट में से रिटेनिंग रिटेन अमाउंट जो होती है प्रॉफिट की उनसे क्या करते हैं कि वो लोग ड्राइंग्स क्या करते हैं.
तो फर्म से कोई भी ड्राइंग्स करेगा तो जाहिर सी बात है फर्म उसके ऊपर में इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म में भी वही है कि जब भी आप कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर फर्म से आप लोन ले रहे हैं, फर्म के प्रॉफिट में से आप निकाल रहे हो, अमाउंट निकाल रहे हो, ड्राइंग्स कर रहे हो, तो उस पर भी आप कहीं ना कहीं लियेबल हैं कि फर्म को आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टनर सैलरी की, क्योंकि पार्टनर्स कभी कभी क्या करते हैं कि वो मैनेजरियल एक्शंस या मैनेजरियल परफॉर्मेंस के लिए भी कहीं ना कहीं अपना टास्क सॉरी अपनी जो उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, सपोज़ कि कोई पार्टनर अगर MBA किया हुआ है, CA किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से फर्म को कंट्रीब्यूट करता है, फर्म की जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो सपोर्ट करता है। उस केस में वो भी कहीं ना कहीं लिएबल है कि उसको सैलरी मिले। सारे पार्टनर्स नहीं होंगे, अगर सारे पार्टनर्स मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी सैलरी दी जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी भी केस में अगर फर्म की बेनिफिट के लिए कोई भी पार्टनर अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उस केस में भी पार्टनर को कमीशन दी जाती है। तो कमीशन भी सारे पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी, जो फर्म के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसके लिए ही सिर्फ उसी को कमीशन दिया जाता है फर्म की तरफ से। हम लोग सारी बातों को एक एक करके समझेंगे आगे चल के कि कैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से कमीशन कैलकुलेट की जाएगी, क्या क्या टर्म्स जुड़ी हुई हैं इन सारी चीज़ों से, कैसे आप इजीली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इन सारी चीज़ों का उसको सेपरेटली बोर्ड्स पूछता नहीं है। सारी चीज़ों को जानने के बाद हम लोगों को एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछी जाती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, इनके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। नाम में ही क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पर हम लोग प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं, प्रॉफिट होती है तो इनकी एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके फर्म में प्रॉफिट हो रही है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक्चुअली ये नेसेसरी है, अगर प्रॉफिट है तो फर्म को पार्टनर्स को उनका सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने भी आखिरकार कहीं ना कहीं से सर्विस ली अपने पार्टनर की, और पार्टनर अगर कोई किसी भी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है फर्म को तो उसके लिए उसको सैलरी दी जानी चाहिए। और वो सैलरी के बाद उसको जो कमीशन बियर करना है, फर्म को कमीशन भी पे करना है किसी पार्टनर को, अगर वो किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कैरी ऑन करता है तब। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, आप कह सकते हैं कि ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ पे एंड होता है वहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास में नेट प्रॉफिट बचती थी। अब उस नेट प्रॉफिट को भी हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट उसका करते हैं, जिसमें कि जो सैलरी है पार्टनर का या उसका कमीशन है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। साथ ही साथ फर्म को जो पार्टनर से अर्न किया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, हम लोग उसको फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट भी करते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट बना के बताता हूँ कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप इजीली एग्जीबिट कर सकते हैं। आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैं बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, जिसमें कि आपको नेट प्रॉफिट पहले से दी जाती है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप नेसेसरी एप्रोप्रिएशन करेंगे या अपॉर्शनमेंट करेंगे। तो इसमें अपॉर्शनमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि अपॉर्शनमेंट जो होगा वो होगा सैलरी, कमीशन या फिर पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट। साथ ही साथ फर्म को जो अर्न होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सबसे पहले आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो कैरी डाउन हो जाती है। नेट प्रॉफिट जो है वो आई है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद हम लोगों ने इसी साइड, क्योंकि फर्म जो है अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है फर्म से, अगर रुपए लेता है, तो वो उसके लिए फर्म के ऊपर में वो एसेट हो जाती है फर्म के लिए, और पार्टनर्स के लिए वो एक तरह का लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। और उस लायबिलिटी पे अगर पार्टनर फर्म को पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए क्या ये प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए जो भी ड्राइंग्स पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करता है फर्म को, फर्म के लिए इनकम बन जाती है। इसलिए हम लोगों ने लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड ऑफ बी रेस्पेक्टिवली। अगर ए और बी दोनों ड्राइंग्स करते हैं तो जितना भी अमाउंट उसके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और उसको क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की, जो भी अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट पे स्टैंडिंग होगी उस अमाउंट पे हम लोग उनको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। और ये अप्रोप्रिएशन की पार्ट है, मतलब कि अगर मान लीजिए फर्म में, मतलब कि क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है कि
प्रॉफिट एंड सॉरी आपकी जो कैपिटल है पार्टनर्स की उसके ऊपर में इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है, या अगर कोई एग्रीमेंट नहीं दिया गया है कि उसे चार्ज नहीं करना है, एवेल करना है या उनको दिया जाना चाहिए, उनको प्रॉफिट एंड सॉरी उनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए। दी पार्टनर्स मस्ट बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट है तो आप उसको अपोर्शन करेंगे, अगर चार्ज लिखा हुआ है तो आपको करना ही करना है, देना ही देना है। कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा, केसेस क्या क्या अराइज हो सकती है आपके साथ में। सबसे पहले आपके पास में नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, इसीलिए आप क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड करेंगे ए और बी की रेस्पेक्टिवली, जो भी उनके कैपिटल अकाउंट पे स्टैंडिंग अमाउंट होगी। सेकेंड थिंग इज कि आपको सैलरी देनी है। अगर किसी पार्टनर के बारे में कहा गया, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर हमारे केस में क्या है ए और बी जो है पार्टनर्स हैं और वो एक वेल डिफाइंड रेशियो में क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर भी कर रहे हैं, उस केस में ये एग्रीमेंट है उनके लिए कि वो अगर कोई पार्टनर जैसे कि ए अगर वो किसी भी तरह का काम फर्म के लिए करता है मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए, तो उसको जो सैलरी दी जाती है तो वो अमाउंट जो होगा सैलरी का वो भी कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएशन के लिए ही यूज किया जाएगा। उसके बाद जो कमीशन है, कमीशन सबसे कि अगर आप बी जो है जो ए और बी और पार्टनर्स थे यहाँ पर, बी अगर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, वर्क करता है फर्म के लिए, तो फर्म उसको कमीशन भी पे करती है, तो वो जो कमीशन होगी उसको भी हम लोग अप्रोप्रिएट कर लेंगे। ये एक चार्ज नहीं है, मतलब फर्म को अगर प्रॉफिट होती है तो फर्म ये दे सकती है, फर्म को प्रॉफिट ना हो तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्म को ये पे करना है। लास्टली जब सारी चीज़ें अगर आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट करी है नेट प्रॉफिट के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, फर्म जब इस प्रॉफिट को अपोर्शन करती है, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, कैपिटल है, सैलरी देती है, कमीशन पे कर देती है, तो जो भी अमाउंट रिमेनिंग अगर मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस हो रहा है फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो प्रॉफिट क्या करेंगे फर्म जो है वो शेयर कर देगी ए और बी के बीच में उनके पार्टिकुलर डिफाइंड रेशियो में। अब वो जो भी एग्रीमेंट उनके बीच में होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग ए और बी को उनके प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये प्रॉफिट होगी तो डेबिट बैलेंस है, अगर वो आपकी क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट बैलेंस होती है तो आपके लिए लॉस है, आप लॉस को अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं। दरअसल अगर बैलेंस लॉस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं देखिए अगर किसी केस में अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है, देखिएगा क्वेश्चन में भी आता है, कहीं कहीं फेस करना पड़ सकता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका जो अवेलेबल प्रॉफिट है अगर वो अप्रोप्रिएशन जो करनी है आपको उससे अगर कम हो जाए अवेलेबल प्रॉफिट, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में दो केस हैं कि या तो आपको एज ए चार्ज प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि अगर वो चार्ज लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है पार्टनर्स को, चार्ज करनी है, तो वो आपके लिए मैंडेटरी एक्सपेंस है, और अगर आपको लॉस भी बियर करना पड़े तो वो अप्रोप्रिएशन करना होगा, मतलब पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देनी होगी। अगर चार्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो मतलब अगर नेट प्रॉफिट 12,000 का भी है और आपको अप्रोप्रिएशन करते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का मिला करके 18,000 होता है, तो आपको 12,000 में से 18,000 आपको देनी होगी। तो आप बोलेंगे कि सर आपका तो डेबिट बैलेंस होगा नहीं, उस केस में तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, तो उस केस में क्रेडिट बैलेंस जो होगा आपका लॉस होगा और उस लॉस को आपको उसी रेशियो में शेयर करना है जो आपके पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है, मतलब अगर चार्ज लिखा हुआ है तो आपको प्रोवाइड करना है एनी हाउ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन अगर प्रॉफिट है अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास में बिल्कुल अप्रोप्रिएट है तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे। आपको प्रॉफिट होगी उसके बाद अवेलेबल प्रॉफिट बचे, अगर बच जाए तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, नहीं बचे तो आपको सारी अप्रोप्रिएशन कर देनी है। क्लियर है, उसके बाद जो भी अमाउंट यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को इसकी काम यहाँ पर जो है आपके आगे कहाँ काम के काम आने वाली है, तो ये काम आपको आने वाली जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिस समय में आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यही कैपिटल जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है, अब उसके बाद अगर ये आपको समझ में आ गया, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे क्लियरली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद सैलरी कैसे देनी है, उसके बाद कमीशन। बेसिकली सैलरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो कमीशन कैलकुलेट करने में हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, जो मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। नोट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। हमारा नया टॉपिक दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएशन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी करनी है, तो आपको जाननी होगी कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कैपिटल आपके शुरुआत में होता है, ओपनिंग कैपिटल, जो कि आप कहीं भी अगर मान लीजिए कि आप बैंक में अगर आप अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको बैंक उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट देता है जो आपने शुरुआत में रखा था, वो अमाउंट नहीं जो कि आपने ईयर के एंड में रखा और आप बैंक से डिमांड कर रहे हैं कि सर हमको इतना अमाउंट, इस पे जो आप लास्ट में जो आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं जिस दिन आपको इंटरेस्ट चाहिए
उस दिन अगर आप बोल रहे हो कि बैंक हमें इंटरेस्ट देगी उस दिन के अमाउंट के डिपॉजिट पे जो कि आपके ईयर के एंड में दिया जा रहा है बैंक के पास, तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, आपको उसके लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस पे ही आपको हर जगह इंटरेस्ट पे की जाती है। इसीलिए इंटरेस्ट उन कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और ए की जो अमाउंट स्टैंडिंग अमाउंट थी कैपिटल के बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में सॉरी, वो ये थी 2 लाख रुपीज। बी की जो स्टैंडिंग अमाउंट थी वो थी 3 लाख रुपीज। अब आपको इनको जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है वो देना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, दोनों को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब आप बोलेंगे सर ये 2 लाख रुपीज जो है ये तो आप होल ईयर के लिए कर रहे हो, अभी मैं कोई भी बीच में एडजस्टमेंट लेके नहीं आने वाला हूँ कि ये कैपिटल से अमाउंट को विड्रॉ कर लेते, क्योंकि होता है कि किसी किसी केस में पार्टनर्स जो है अपने कैपिटल का कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग ईयर, तो उस केस में जो उनकी जो इंटरेस्ट उन कैपिटल होगी सिर्फ उन्हीं महीनों के लिए चार्ज की जाएगी ओपनिंग कैपिटल की इंटरेस्ट, जितने महीनों के लिए उतने उस अमाउंट को उन्होंने रखा है। उसके बाद जो भी अमाउंट या तो ड्राइंग्स आप कर लेते हो या एडिशनल कैपिटल आप लगाते हो तो वो ड्राइंग्स पे और जो आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है उसके बाद की जो इंटरेस्ट होगी वो रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट की जाएगी। फिलहाल हम लोग जो अमाउंट ले रहे हैं वो होल ईयर के लिए सेम रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं है। 2 लाख रुपीज़ जो है आपकी 6% पर एनम के हिसाब से, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ इंटू 6% फॉर योर 1 ईयर, क्योंकि आपने 1 अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपने इसको कैलकुलेट करना है। इट विल अमाउंट टू 12,000। वहीं मैं बात करूं बी की, तो बी की जो अमाउंट स्टैंडिंग अमाउंट थी ओपनिंग में वो थी 3 लाख रुपीज, जिसका 6% होगा 18,000 रुपीज। तो ये जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई वो हो गई ए के लिए 12,000 रुपीज और बी के लिए 18,000। इसीलिए सही है। अब मैं बात करूंगा कि अगर सपोज कर लीजिए कि ए या बी कोई एक ड्राइंग्स कर रहा है अपने कैपिटल में से, जो कि मैंने बताया आपको कि ड्राइंग्स प्रॉफिट की अगर फर्म से अगर कर रहा है कोई पार्टनर तो उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, लेकिन अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल का अमाउंट ड्राइंग विड्रॉ कर लेता है या फिर वो अपने कैपिटल के बिहाफ में कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रहा होता है, तो उस केस में क्या है कि वो इंटरेस्ट को फर्म को पे नहीं करता है, फर्म उसको उतना ही इंटरेस्ट देती है जितना उसके कैपिटल के ओपनिंग ईयर के बिगिनिंग में उसका कैपिटल था, और उसी अमाउंट पे अगर उसने ड्राइंग्स किया है तो जिस समय से उसने ड्राइंग किया है उससे उसको लेकर के जब तक आपका ईयर एंड ना हो जाए तब तक आपकी अमाउंट कितनी स्टैंडिंग होती है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो 2 लाख रुपीज़ बिगिनिंग में रखता है, लेकिन वो 1 अक्टूबर को $50,000 विथड्रॉ कर लेता है, और बी ऑन द अदर हैंड वो क्या करता है कि वो 50,000 एडिशनल कैपिटल लगाता है। इस केस में क्या है कि आपको दोनों की जो इंटरेस्ट होगी वो यहाँ से वेरी कर जाएगी 1 अक्टूबर से, जिस समय उसने इंट्रोड्यूस किया था, एक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है दूसरे ने ड्राइंग्स किया है। जिसने ड्राइंग्स किया 1 अक्टूबर को उसकी जो नई कैपिटल, फिलहाल तो आपको 1 अक्टूबर मतलब कि सेप्टेम्बर तक कितनी मंथ हो गई, मार्च के बाद आपकी अप्रैल से स्टार्ट होती है ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी 6 महीने होते हैं। आप 2 लाख पे पहले सबसे पहले चार्ज करेंगे 6% पर एनम, लेकिन ये 6 महीने के लिए ही सिर्फ होगी क्योंकि आपने सिर्फ 6 महीने के लिए शुरुआत में रखा है कैपिटल। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है, चूंकि ड्राइंग्स करने के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट स्टैंडिंग बचेगी, 1,50,000। 1,50,000 पे आपको वापस से 6% निकालनी होगी और वो भी
अगले 6 महीने के लिए, जब तक आपका ईयर एंड हो जाता है। और इसके लिए जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 लाख पे, सबसे पहले 3 लाख पे 6% फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद अनदर आपकी जो 3 लाख, सॉरी आपने 50,000 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, इस 50,000 के बाद आपके पास में जो नया कैपिटल होगा वो हो जाएगा 3,50,000 रुपीज़। 3,50,000 पे आपको 6% देना होगा अनदर 6 मंथ्स के लिए। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि आपको कैपिटल अकाउंट में, आपको क्रेडिट साइड में पार्टनर्स को क्रेडिट कर देनी है। सारी अमाउंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिपिक्ट की जाएंगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर, या तो रेगुलर बेसिस पे या इररेगुलर बेसिस पे अगर ड्राइंग्स किया है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा। इसके लिए तो सबसे पहले चलिए इरेज करके इसको लिखा जाए वापस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर जो है वो या तो रेगुलर बेसिस पे मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली ड्राइंग्स करेगा, और इररेगुलर बेसिस पे अगर वो ड्राइंग्स करेगा तो वो किसी भी अनइवन डेज में कर सकता है। ऐसे अगर वो ड्राइंग्स अगर मंथली करता है तो वो हर महीने के बिगिनिंग में, या हर महीने के बीच में फोर्टनाइटली, या फिर वो हर महीने के एंड में करता है तो वो मंथली हो जाएगी। क्वार्टरली में भी आपकी उस तरीके से, हर जैसे क्वार्टरली 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो टोटल आपकी जो 1 ईयर है तो एक साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, फोर क्वार्टर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वार्टर में आपने 3 महीने लिए हैं। तो क्वार्टरली में भी आपका जो है वो डेट होगा वो तो इवेन होने वाला है, क्योंकि अगर आप बिगिनिंग में लेते हो तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर आप मिडिल में लेते हो या फिर एंड में लेते हो तो उस तरीके से आपकी जो क्वार्टरली होगी उस केस में भी आपका वो इवेन रह जाएगा। और हाफ ईयरली के केस में भी आपका, सपोज कि अगर आपने हाफ ईयरली लिया है, ड्राइंग्स किया है, तो आपकी जो होल ईयर में 2 टाइम्स आपने ड्राइंग्स करी होगी, एक तो ईयर के बिगिनिंग में, उसके बाद सेकेंड हाफ ईयर के बिगिनिंग में आपने लिया होगा, तो उस केस में भी वो आपका इवेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपका वो अनइवेंट डेज है, सपोज किसी महीने के आपने बिगिनिंग में लिया, किसी महीने के एंड में लिया, मतलब कि आपने सालों भर हर एक महीने के अलग अलग डेज में, लेकिन फिलहाल हमारे कैलकुलेशन के लिए और हमारी जो है कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या लेंगे कि हर एक महीने के बिगिनिंग को लेकर चलने वाले हैं यहाँ पे, या एंड भी ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपकी जो रेगुलर डेज में अगर आपने ड्राइंग्स करी है, तो उस केस में क्या कि हर जगह पे आपको सेम थिंग याद रखनी है। मंथली अगर आपको दी गई है, से अगर आपका मंथली है, तो आपको करना क्या होगा यहाँ पर, एवरेज, सबसे पहले तो टाइम की बात करूँ मैं, टाइम जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टाइम की हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं। आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग को जो है वो आप इलस्ट्रेशन से भी देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए कि आपको जो आपकी जो टाइम दी गई है, टाइमिंग जो भी आपने ड्राइंग्स किया वो किस समय में किया है, और उसके हिसाब से जो आपका ईयर, जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए आपने ड्राइंग सिर्फ 5 महीने के लिए किया है, तो आपकी जो ड्राइंग्स होगी वो सिर्फ 5 मंथ्स के लिए होगी, लेकिन हमें ईयर लिखना है तो हम लोग वहाँ पर 5/12 लिखते हैं। लेकिन जिस जैसे आप हर एक अलग अलग महीने में कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने ड्राइंग्स किया है, सपोज कि हर एक महीने के बिगिनिंग में किया है, तो जैसे आपने पहले महीने में ड्राइंग्स किया तो उसकी जो इंटरेस्ट होगी वो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगी ईयर के बिगिनिंग में, अगर आपने ड्राइंग्स किया तो। अगर वही आपने सेकेंड मंथ में किया है, तो उसके बाद वो आपके लिए सिर्फ 11 मंथ्स रह जाएगी। उसके बाद आपके पास में अगर आप तीसरे महीने में आप बिगनिंग में करते हैं, तो आपके पास में सिर्फ 10 मंथ्स रह जाएगी। उसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपकी मंथ नज़दीक आती चली जाएगी, ईयर के एंड में अगर आपने ड्राइंग्स करी है, ईयर की एंड मंथ के बिगनिंग में आपने किया है, तो उस केस में सिर्फ उस ड्राइंग्स पे 1 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हर एक महीने का अलग अलग नहीं कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पर एवरेज मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, और इसी एवरेज मंथ के लिए हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी वास्ट हो जाती है। खैर वास्ट नहीं है, काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हैं। मंथली की मैं बात करूँ तो किसी भी मंथ के बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में अगर वो कैलकुलेट कर, मतलब कि अगर वो ड्राइंग कर रहा है उस केस में, अगर मंथली है तो आपको याद रखना है आपको 1 महीने, हमेशा 1 महीने का आपका फासला रहेगा, क्योंकि आपकी जो एवरेज मंथ होगी वो जाएगी आपकी जो टोटल अपने बिगिनिंग में, आपने जो ईयर के बिगिनिंग में अगर आपने ड्राइंग्स किया था, उसके बाद आपके पास में कितने महीने बचे थे, उसके बाद आपने जो अंतिम ड्राइंग्स किया, अंतिम मतलब लास्ट आपने जो ड्राइंग्स किया लास्ट मंथ में ईयर के, उसके बिगिनिंग में किया, तो उसके बाद आपके पास में कितने मंथ बचे थे। मंथली की बात करूँ मैं तो आपको करना क्या है, आपको 12+1, क्योंकि आपने अगर बिगिनिंग में अगर आपने ड्राइंग्स किया है तो आपके पास में 12 महीने बचते हैं, और अगर आपने ईयर के एंड में, एंड मंथ में आपने जो ड्राइंग्स किया था, उसके बाद आपके पास में सिर्फ 1 महीने बचे थे, उसका आपको एवरेज निकाल लेना है। अगर ये मंथली की बात हो रही है और बिगिनिंग की बात हो रही है, तो आपको प्लस वन करके उसका एवरेज कर लेना है। जो भी नंबर आएगा ये आपका एवरेज मंथ होगा, और चूंकि हमें मंथ लेना नहीं है, हमें तो ईयर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग एवरेज मंथ को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा ईयर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप हर एक मंथ के, ये मंथ की बिगिनिंग थी और ये मंथ का
मिडिल हैं, अगर आप मंथ के मिडिल में करते हैं ड्राइंग्स तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 12/2 करना है, यहाँ पर कोई प्लस और माइनस नहीं होने वाला है मंथ में, उसके बाद 2/2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आपने मंथ के बिगिनिंग भी मिडिल में किया हर एक मंथ के, तो आपका शुरुआत में 14 डेज आपका कम हो जाएगा, और अंतिम जो आपका ड्राइंग होगा लास्ट मंथ का, तो उस केस में भी आपका 14 डेज क्या होगा, वो रिमेनिंग रह जाएगा। इसीलिए आपका जो टोटल ड्राइंग्स होगा वो सिर्फ एवरेज मंथ 6 मंथ के लिए चार्ज होने वाला है। उसके बाद आपका मंथली है, और ये ईयर के एंड में हो रहा है, मंथ के एंड में हो रहा है हर मंथ के, उस केस में आपका जो ड्राइंग्स होगा वो एवरेज मंथ हो जाएगा 12-1/2, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं हर मंथ के एंड में अगर आप ड्राइंग्स करते हैं तो आपका एक महीना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में जब ड्राइंग्स किया तो आपके पास में कितने थे, 12 महीने बचे थे, लेकिन उसके बाद जब आपने लास्ट ड्राइंग्स किया तो वो आपकी ईयर की जो लास्ट मंथ थी, उस ईयर की लास्ट मंथ की जो अंतिम दिन थी, उस दिन आपने किया था, उससे क्या होता है कि आपका एक महीना लैप्स हो जाता है, क्योंकि उसी दिन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना है, इसीलिए वो आपका एक महीना कम हो जाता है। 12-1 करके हम लोग 2/2 कर देंगे वो एवरेज मंथ, उसके बाद हम लोग को उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको होल को डिवाइड करना होगा 12 से। सिमिलरली क्वार्टरली में हम लोग को क्या होता है कि 3 मंथ्स लेकर चलना होता है, तो क्वार्टरली के केस में भी आपको क्या करना है, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा तो आपको एवरेज मंथ कैलकुलेट करनी है 12+3/2 / 12 करके। उसके बाद अगर वो क्वार्टरली क्वार्टर के मिडिल में है तो वो आपको वहां भी, इस केस में भी, क्योंकि आपने पूरे होल ईयर के लिए किया है और मिडिल में, हर एक केस में आपका मिडिल जो होगा वो हो जाएगा एवरेज मंथ उसका 12/2/12, ये आपकी एवरेज ईयर हो गई। फिर क्वार्टरली के एंड में आपने किया है तो आपको वही करना होगा जो आपने मंथली के केस में किया था, 12-3/2/12, ये आपका एवरेज ईयर हो गया क्वार्टरली के लिए। बेसिकली मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेट करने जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उस केस में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने मंथ के बिगिनिंग में किया है, मिडिल में किया है, या एंड में आपने ड्राइंग किया है, आपको ये टाइम याद रखनी होगी। और ये जो है ये होल बन के कितना आ जाएगा, 12+1/2 है तो 12+1 होता है 13, 13/2 होता है आपका 6.5, तो आप लिखेंगे 6.5/12, मतलब कि 6.5/12 भी करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपको रेट दिया गया है वो और अमाउंट दिया गया है वो। क्वार्टर के बाद हमारा हाफ ईयरली आता है। हाफ ईयरली में बेसिकली 6 मंथ्स में आपने एक बार ड्राइंग किया है, तो 6 मंथ्स के बिगिनिंग में अगर आपने ड्राइंग्स किया है तो यहाँ पर आपका हाफ ईयरली के केस में शुरुआत में अगर आपने बिगिनिंग में किया है तो 6+1/2/12 हो जाएगा, ये आपका एवरेज मंथ। और वही हाफ ईयरली के मिडिल में किया है 6/2/12 हो जाएगा, और वही अगर आपने हाफ ईयरली के एंड में किया है तो 6-1/2/12 हो जाएगा। ये जब आप रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग्स करते हैं उस केस में आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, सिर्फ टाइम को लेकर के, बहुत बड़ी खास चीज़ नहीं है। अगर आपको याद ना रहे तो बनाते बनाते भी आपको याद हो सकता है। उसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन अन इवेंट डेज। और हाँ, याद रखिएगा, जब भी आपको मंथली दिया गया है तो टोटल अमाउंट ड्राइंग्स जो है वो नहीं दिया गया होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि मंथली आपने ड्राइंग्स किया, सपोज कि 2000 आपने हर मंथ निकाले हैं बिगिनिंग में, तो आपकी टोटल मंथ्स कितनी होती है, 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए आपको हर एक महीने की जो ड्राइंग्स 12 से मल्टीप्लाई करनी है, 12 × 2000 = 24000, आपको 24000 इनटू आपको जो रेट दिया गया है ड्राइंग्स पे चार्ज करने के लिए, से 10% या 6% है, तो आप 10% 10/100 इनटू आपका जो ये एवरेज मंथ कैलकुलेट हुआ, ये 12+1/2/12, आपको इससे उसको मल्टीप्लाई करनी है, 6.5/12 भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी रेगुलर बेसिस पे जब आप मंथली क्वार्टरली या हाफ ईयरली आप ड्राइंग्स करते हैं उस केस के लिए था। अब जब आप ऑन अन इवेंट डे मंथ के अलग अलग डेज में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने ड्राइंग्स किया है, उस केस में आपको अलग तरीके से कैलकुलेट करनी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ। अब किसी केस में अगर कोई भी पार्टनर अन इवेंट डेज में अगर वो ड्राइंग्स करता है, उस केस में आपके पास में 2 मेथड है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर में सिंपल प्रोडक्ट मेथड है, उसके बाद आपके पास में प्रोडक्ट मेथड, सिंपल प्रोडक्ट नहीं बोल करके आप इसको सिंपल मेथड भी बोल सकते हैं, सिंपल मेथड है। अगर सपोज कर लीजिए आपने 1 जुलाई को 2000 रुपीज़ निकाला और 31 अगस्त को आपने 4000 रुपीज़ निकाला, तो इस केस में सिंपल मेथड क्या बोलता है, सिंपल मेथड कहता है कि आपने जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है आपका, आप सपोज कर लीजिए कि 6% आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ड्राइंग्स पे, उसके बाद आपको देखना यह है कि आपने ड्राइंग्स के बाद आपके पास में कितने महीने बचते हैं ईयर एंड होने के लिए। जुलाई के बाद, जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास में 9 मंथ्स हैं। आप यहाँ पर 9 मंथ्स के लिए इसको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास में 90 रुपीज़ है। सेकेंडली, आपके पास में 31 अगस्त को आपने 4000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, तो उसके बाद आपके पास में कितने महीने बचते हैं? अगस्त के बाद जुलाई अगस्त आपने आपकी चले गई, उसके बाद आपके पास में 7 मंथ्स बचते हैं। इसके लिए आपको 4000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 6%, और आपके पास में महीने कितने हैं? 7 मंथ्स, सही है। अगस्त के बाद सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स। आपके पास में ये 140 रुपीज़ है और ये आपने चार्ज किया है अलग अलग करके। तो सिंपल मेथड में क्या होता है कि आपको अलग अलग ड्राइंग्स को अलग अलग अमाउंट आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, और वो भी जितने महीने आपके पास में बचते हैं बस उसके हिसाब से। लेकिन प्रोडक्ट मेथड की जब मैं बात करूँगा तो उस केस में क्या है कि आपको अलग अलग इंडिविजुअली सारे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह कर सकते हैं, आपने 2000 आपने ड्राइंग्स किया था जुलाई को, तो उसके बाद आपके पास में कितने महीने बचते हैं? 9 मंथ्स, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स हो जाती है 18000 की। सेकेंडली, आपने 4000 ड्राइंग्स किया 31 अगस्त को, उसके बाद आपके पास में कितने महीने बचे? 7 मंथ्स, 7 4 जो टोटल आपकी जो अमाउंट हो जाएगी 28000। नेट अमाउंट को अगर ऐड किया जाए तो 18000 प्लस 28000 हो जाती है 46000। 46000 पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% के हिसाब से, और यहाँ पर आप मंथ लेंगे 1/12, 6 1 6 2 12, 23000 जा, ये आपकी टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाती है 230। आप दोनों मेथड से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में 90 रुपीज़ थी। सिंपल मेथड से दोनों ड्राइंग्स पे 90 + 140 इक्वल्स टू 230 रुपीज़। और यहाँ भी अगर आपने प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से अगर आप जाते हो तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। ड्राइंग्स जितना आपको दिया गया है, आपने 1 जुलाई को जितना ड्राइंग्स किया है उसके बाद कितने महीने बचते उससे मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट आ जाएगी 4000 पे 7 मंथ के लिए 28000। दोनों को ऐड करना है, सम अप करने के बाद 6% फॉर ओनली 1/12, और ये आपको आंसर देता है 230। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। अगर पार्टनर बीच में अपने कैपिटल में से अमाउंट को ड्राइंग्स करता है उस केस में आपको क्या करना है, तो याद रखना है कि अगर कहीं पे उसने ड्राइंग्स किया है तो बस उतने महीने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। उसके बाद अगर उसने एडिशनल लगाया है या ड्राइंग्स किया है तो उसके बाद उसके पास में रिमेनिंग कैपिटल क्या है, या तो वो बढ़ेगी पहले से या घटेगी। तो जितने महीने के लिए उन्होंने एडिशनल लगाया है, तो ईयर के एंड होने के बाद जब उसने ड्राइंग्स किया था या एडिशनल कैपिटल लगाया था, उस वहाँ से लेकर के आपकी जो ईयर एंड हो रही है तब तक कितने महीने आपके पास में बचते हैं, उतने के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास में नेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है। उसके बाद सैलरी तो बहुत कॉमन है कि आपको 20000 पर एनम दिया गया तो आपको 20000 ही आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपको 2000 पर मंथ दिया जा रहा है तो आप 12 मंथ्स के लिए आपको 12 × 2000 करना है, आपको 24000 आपकी जो है होल ईयर की सैलरी हो जाएगी। कमीशन की मैं बात करूँ, अब कमीशन के लिए आपको क्या करना है कि कमीशन में आपको देखना है कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग दो वर्ड्स वहाँ पर यूज की गई है, कि आपने इससे पहले भी कभी कमीशन दिया है उनको या आपने फर्स्ट टाइम उनको कमीशन जो आप देने जा रहे हैं, उस केस में आपको बिफोर और आफ्टर वर्ड की वहाँ पर थोड़ी सी निगरानी करनी है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बिफोर चार्जिंग एनी कैपिटल है या सॉरी ऑफ एनी कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन है, उस केस में क्या करना है कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास में नेट प्रॉफिट है 20000 की और वहां पर वर्ड की यूज की, सपोज किसी पार्टनर को कमीशन दी जानी है 12% के हिसाब से, और यहां पर वर्ड यूज किया गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस केस में आपको 24000 पे ये जो नेट प्रॉफिट आपकी है इस पे 12/100% आपको 12% दिया गया था, लेकिन आप यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपको 112 लेके चलना है, ये आपकी हो जाएगी कमीशन।
इंटरेस्ट ऑन, ये जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, जो जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका कमीशन हो जाएगा, जिस पार्टनर को आपको कमीशन अलाउ करनी है। वहीं पे अगर ये आपका आफ्टर के जगह अगर ये बिफोर वर्ड यूज किया जाता है, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 1200 12/112 में होकर के ये आपका 1200 हो जाएगा। इस केस में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 × 24, तो ये आपकी जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 2880। ये अमाउंट आपका हो जाएगा कमीशन का। तो कमीशन के लिए कुछ खास नहीं करना है आपको, आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस में आपको ध्यान देनी है। अगर आपका वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो आपको 1200 रखना है, अगर वो आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तो 1200 रखना है, क्योंकि आपने जब चार्ज किया अमाउंट, जैसे ही आपने किसी और को पहले कमीशन दे रखा है, उस केस में आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आपको इस पोजीशन पे अराइव करने के लिए यहाँ पर 112 रखना होता है। यही बात है और कुछ नहीं है इसमें। आप जो है यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं टेकिंग दी हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, या अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं क्वेश्चन को, या नहीं तो आप बोल सकते हैं टी एस अग्रवाल की कौन सी पेज नंबर की कौन सी क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा उसका सोल्यूशन, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं क्वेश्चन, मैं वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।